चार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करेंगे PBFT का ओल्ड पेपर, जिसमें हम करेंगे जूलॉजी के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। जो PBFT की तैयारी कर रहे हैं वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। चलिए, वेरी गुड। खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं। खोपड़ी में 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का कि त्वचा पर इलेक्ट्रो विद्युत धारा का उपयोग कर हृदय की विद्युत गतिविधि को अभिलेखित करने वाले उपकरण को आप क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्वचा पर विद्युत तार का उपयोग कर हृदय की विद्युत गतिविधि को अभिलेखित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है। वेरी गुड, वो कहलाता है EEG। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर, केशुरी की रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? केशुरी की रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? वेरी वेरी गुड, कौन सी हैं भाई? RBC लाल रक्त कोशिकाएं, WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट या यूट। तो लाल रक्त कोशिकाएं, RBC। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि मानक में किस प्रकार की उपस्थिति पाई जाती है? मानक में किस प्रकार की उपस्थिति पाई जाती है? बिल्कुल सही जवाब, मानक में किस प्रकार की उपस्थिति पाई जाती है? तो हाइलिन उपस्थिति। कौन सी? हाइलिन उपस्थिति पाई जाएगी मानक में। चलिए, अगला क्वेश्चन, जो ऐड होना चाहता है व्हाट्सएप पे नंबर मैसेज कर देना कि हमें भी ऐड कर दो। रक्त में CO2 किस रूप में पाई जाएगी? जो भी ऐड होना चाहता है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए। और जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है ले लेना, अभी ऑफर चल रहा है। चलिए, रक्त में CO2 किस रूप में पाई जाएगी? बिल्कुल सही जवाब, बाइकार्बोनेट। किस रूप में? बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, अपोहन सिद्धांत कार्य करता है, अपोहन सिद्धांत जो है वो किस पर कार्य करेगा? अपोहन सिद्धांत किस पर कार्य करेगा? वेरी गुड, अपोहन का सिद्धांत जो है वो कार्य करेगा प्रसार पर। प्रसार पर अपोहन सिद्धांत जो है प्रसार पर कार्य करता है। सात नंबर का, मायोफाइब्रिल में एक्टिन प्रोटीन को क्या कहा जाता है? मायोफाइब्रिल में एक्टिन प्रोटीन को आप क्या कह सकते हैं? आइसोट्रोपी बैंड, एनिसोट्रोपी बैंड, मायोसिन या फाइब्रिल, बताइए। तो मायोफाइब्रिन में एक्टिन प्रोटीन को हम जो कहते हैं वो कहते हैं क्या? मायोसिन कहते हैं। मायोसिन कहते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मस्तिष्क में विचारधारक हिस्सा है? मस्तिष्क में आप विचार लाते हो कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, तो ये सब विचार हैं, ये किस हिस्से में आता है? वेरी गुड, कौन मस्तिष्क में विचारधारक हिस्सा है? तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा अग्रमस्तिष्क। अग्रमस्तिष्क, इसमें आपके आगे के मस्तिष्क में बहुत विचार आते हैं।
अगला क्वेश्चन, कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा? वेरी गुड, सेरेब्रम, अग्रमस्तिष्क, आगे का, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन, युग्म गठन के समय एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की हानि या लाभ होना क्या कहलाता है? लिखा हुआ है युग्म गठन के समय एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की हानि या लाभ होना क्या कहलाता है? वेरी गुड, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अन्यूप्लोडी, अन्यूप्लोडी कहेंगे। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा नियम कहता है, कौन सा नियम कहता है कि जनसंख्या में एलील और जीनोटाइप आवृत्ति अन्य विकासवादी प्रभावों की अनुपस्थिति में पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थिर रहती है? ये कौन कहता है? वेरी गुड, ये कहता है हार्डी बेनबर्ग का सिद्धांत। किसका? हार्डी बेनबर्ग का सिद्धांत। कौन सा नियम कहता है कि जनसंख्या में एलील और जीनोटाइप आवृत्तियां अन्य विकासवादी प्रभावों की अनुपस्थिति में पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थिर रहती हैं? तो ये हमारे हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत। कभी 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 ख्याल आता है, कभी कभी हार्मोन्स कोशिकाओं द्वारा उत्पादित रसायन को शामिल करने के लिए प्रयोग किया जाना है जो एक ही कोशिकाएं या उसी के समान कोशिकाओं को प्रभावित करने में है। इस शब्द को आप क्या कहते हैं? वेरी गुड, इसे हम कहते हैं आल्टोकाइन। क्या कहते हैं? आल्टोकाइन सिग्नल। ऑप्शन आपका बी वाला है। बिल्कुल सही जवाब है, कभी कभी हार्मोन्स कोशिकाओं द्वारा उत्पादित रसायन को शामिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक ही कोशिकाओं या उसी के समान कोशिकाओं को प्रभावित करने में करते हैं। इस शब्द को ऑटोकाइन सिग्नलिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 13 नंबर का, वह रोग जिसमें अंतःस्रावी विकार के कारण अधिवृक्क ग्रंथि स्टेरॉइड हार्मोन्स उत्पादित करती हैं वह कौन सी? वेरी वेरी गुड, वह रोग जिसमें अंतःस्रावी विकार के कारण अधिवृक्क ग्रंथि स्टेरॉइड हार्मोन्स उत्पादित नहीं करती हैं वह हो जाएगी एडिसन रोग। कौन सा हो जाएगा? वो एडिसन रोग हो जाएगा। ये क्या नहीं करती? ये अधिवृक्क ग्रंथि स्टेरॉइड हार्मोन्स उत्पादित नहीं करती। ऑप्शन आपका सी बना जाएगा। वह पेशियां जो हृदय के लयबद्ध संकुचन और विश्वास में सहायता करती हैं वह कौन सी? वह पेशियां जो हृदय के लयबद्ध संकुचन एवं विश्राम में सहायता करती हैं वह कौन सी? 14 नंबर का, वह हो जाएगी आपकी कौन सी? हृदयक पेशी। कौन सी हो जाएगी? हृदयक पेशी। और अगला और आखिरी क्वेश्चन, कौन सा सूक्ष्म जीव सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में सहायता करता है? जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है, प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं अभी 99 रुपए में, तो प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है तो ले सकते हैं, ठीक है। जिनको बुक मंगानी है बुक मंगा लेना, बहुत अच्छी बुक है, 7,500 क्वेश्चन की। इन सब का डेमो देखने के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। और हमारी डेली फ्री क्लास चल रही है सुबह 7:30 बजे, सुबह 9 बजे, सुबह 7:30 बजे, दिन में 12:30 बजे और दिन में 3 बजे और रात की 9 बजे। तो आप सारी क्लासें अटेंड कर सकते हैं और आपको रोज़ एक एक प्रैक्टिस सेट आता रहेगा, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें भी डेली क्लास में ऐड होना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।